नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत विचार में उज्जवल झा। लॉकडाउन में गरीब लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। इसके बावजूद राशन माफिया उनके हिस्से का अनाज हड़प ले रहे हैं। आंवला के रामनगर के गुड़वा गांव में कोटेदार खुलेआम कह रहा है कि 8,000 रुपए खर्च किए हैं तो कहां से पूरा राशन दें। इससे समझा जा सकता है कि राशन माफिया इस कदर बेखौफ है क्यों है और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है। आपको दिखाते हैं यह वो वायरल वीडियो। महीना कोटा ना दो पिछले तुमने क्या है हाथ उठा जा सब गाड़ी पठान कर रहा हूं पिच गाड़ी ने पीछे तुम पैसे दे दे बकाया देना है यार पिटाई हमारे को दिखा रहा हूं जहाँ मैं कोई प्रदान कर रहा हूँ ऑफर कर रहा हूँ तू अभी जा बाद मिली कर ले अभी शिकायत कर का 8,000 खर्च कर का आया तो मंगना नहीं मैं करे गल्ला उठाएगा ना लाए ओ लाए ना को खान को काम है मुझे बताते मैं घर चला दे तू तो ले तू क्यों आ रहा हूँ तीन तीन किलो काट रहे हो हम काटेंगे जाओ जाए शिकायत कर मैं कर ले 8,000 खर्चे करे खर्चे करे मंगना ही मैं कर दे खर्चे कमा रहे ना मैं दुगने कर रहा हूँ क्या कमा रहे दुगने ना कर रहे हो बैठ यहाँ पे दुगने कर बैठ यहाँ पे तू बैठ ला चल बैठ यहाँ लोग करवा हाँ कर कर भेज जा सीताराम भेजिए आई बैठ ना कर दे सीताराम को कहा मेरे नाम का हाँ जहाँ चेन्नई करो जा चल तुम्हारे घर ना करूंगा जो ऐसे का तीन तीन किलो चार चार किलो करिए तुम्हारे बात कर तू जा समझ जा दुनिया में चना बिक रहा है चना बिक गया है भाई फिर बात संगमांगने अच्छे बैठ रहे हो चना ना पहले बैठे अच्छा और हम बैठेंगे नहीं फेरा में तू जा बैठ कर रहा हूँ कम चलाओ